शो में शामिल ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी उनके निज ज्ञान और आकलन पर आधारित है। भविष्यवाणियां राशि, ग्रहों और नक्षत्रों के आधार पर की जाती हैं, जिनमें बदलाव की संभावना बनी रहती है। इस शो में की गई भविष्यवाणियां और सुझाए गए उपायों में स्थान और समय के अनुसार परिवर्तन संभव है। एबीपी न्यूज ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियों के लिए उत्तरदायी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। दिवाली के इस स्पेशल शो में हमारे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। ये आप देख रहे हैं, मेरे आसपास विद्वानों की पूरी टोली है। हिंदुस्तान के 10 विद्वानों को हमने यहां पर आमंत्रित किया है ताकि आपकी दिवाली कैसे खुशहाल हो इसके उपाय हम आपको बता सकें। अब वो स्वास्थ्य के लिहाज से हो, नौकरी के लिहाज से हो, घर परिवार के लिहाज से हो, जीवन का आपका कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आप सफलता कैसे प्राप्त करें और खास तौर पर यह दिवाली आपके लिए कैसे मंगलकारी हो, इसके उपाय ये विद्वान आपको बताने वाले हैं। तो एक एक सवाल से हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं और आपके सामने पूरी जानकारी हम रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा प्रतीक भट्ट जी, धन प्राप्ति के लिए महा उपाय क्या है दिवाली के इस मौके पर, हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे आप? तमाम जगहों पर ये बातचीत चलती रहती कि धन प्राप्ति के लिए हम क्या करें, तो निश्चित तौर पर आपको ये समझना होगा कि धन प्राप्ति के लिए दिन क्यों चुना जा रहा है। कहते हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो मैनेजर बनाए गए, धन सारा धन निकला, उसकी देवी कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी कही गई, लेकिन मैनेजर बनाए गए कुबेर जी। कुबेर जी के लिए इसलिए ओम वित्तेश्वराय नमः का मंत्र का भी जाप किया जाता है, लेकिन वो ठहरे बड़े कंजूस, आसानी से धन देते नहीं थे। तो फिर कहा गया गणेश जी की बुद्धि और कौशल को यूज़ किया जाए और धन का वितरण सही तरह से किया जाए। तो गणेश जी इसलिए इस पिक्चर में आए और गणेश लक्ष्मी की पूजा होने लगी। तो धन के लिए गणेश लक्ष्मी की पूजा होने की पहले वजह समझ लीजिए, इसलिए ये कथा मैंने आपको सुनाई। अब आपने पूछा धन के लिए क्या उपाय करें, दो तरह के उपाय बताएंगे। पहला, 11 कौड़ियाँ लें इस दिन, उन 11 कौड़ियों को माँ लक्ष्मी और गणेश जी को अर्पित करें। याद रखिए विष्णु नारायण एंड कुबेर जी की भी मूर्ति जरूर से जरूर होनी चाहिए मंदिर में। उसके बाद इन 3 मंत्रों का पाठ करें, ओम गण गणपतये नमः, ओम महालक्ष्मीपतये नमः, ओम कुबेराय नमः। इनको सीक्वेंस से करना है, 12-12 बार पाठ करने हैं। अगर आपको कौड़ियाँ नहीं मिलती हैं तो 9 गोमती चक्र ले आइए, उसको माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए और ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः, ओम महालक्ष्मीपतये नमः, इस मंत्र का पाठ करके इसको अपनी तिजोरी में अगले दिन रख दीजिए। उसी काम को आपको गोमती चक्र को भी करना है, वही काम कौड़ियों के लिए करना है। कहते हैं जब आप तिजोरी में उसे रख देते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, रात भर वो वहाँ रखा रहता है, कुबेर भगवान का आशीर्वाद होता है, गणेश जी नारायण का आशीर्वाद होता है, तो जब आप वो तिजोरी में जाते हैं तो कहते हैं उसी तरह से सुख समृद्धि धन धान्य आपका बढ़ने लगता है। तो ये छोटा सा उपाय रात्रि में पूजा के दौरान जरूर से जरूर करना चाहिए। बहुत अच्छी सलाह आपने हमारे दर्शकों को दी है। और देखिए धन प्राप्ति के लिए बहुत ज़रूरी है कि नौकरी भी हो, बेरोजगार अगर कोई होगा तो उसको धन कहाँ से लाएगा? डीपी शास्त्री जी, नौकरी के लिए बताइए। तो जो लोग महालक्ष्मी के पूजन करें, माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव कमल के पुष्प पे हुआ तो कमल के फूल लक्ष्मी पूजन में रखें। भगवान गणपति लक्ष्मी के पूजन करते समय पीला वस्त्र सफ़ेद वस्त्र उनके नीचे रखें, कलश इत्यादि रख के जल भर के श्रीफल नारियल रखें और कामिया सिंदूर आता है लें, 11 लौंग लें, कमलगट्टा लें, चांदी के क्वाइन लें और पीले पोटली बना करके ओम श्रृंग ह्रिंग श्रृंग कमले कमलाली प्रसीदा प्रसीदा श्रृंग ह्रिंग श्रृंग महालक्ष्मी नमः या महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमई तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। ये लक्ष्मी गायत्री है, इसको एक माला जप करें, रुद्राक्ष की माला हो अन्यथा अस्फटिक का माला उसको यूज करें और साथ में माँ का पूजा करते और कामना करें। व्यापारी हो चाहे नौकरी वाला हो, सबके जीवन में भगवती कमल पुष्प वाहिनी जो भगवती है प्राण वल्लभा भगवान नारायण की, वो माँ लक्ष्मी सब पे आशीर्वाद प्रदान करती हैं। अब देखिए कई लोगों की प्रकाश जोशी जी जो चिंता रहती है शादी ब्याह को लेकर भी रहती है, उनको कुछ सलाह देना चाहेंगे आप? देखिए दीपावली के दिन आपको साधना करनी चाहिए और साधना का मैं बताता हूँ, लकड़ी की एक चौकी ले आएँ, उसमें लाल वस्त्र बिछाएँ,
दीपावली के दिन और वृषभ काल के अंदर पूजा बहुत अत्युत्तम रहती है कि अगर आप शादी से संबंधित परेशान हैं या बेटा बिटिया की शादी नहीं हो रही या स्वयं आपकी शादी नहीं हो रही तो 6:30 से और 8:11 के बीच में आपको लाल कपड़ा रखना है, उसमें आपको गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति। ये दिवाली के दिन के लिए आप बता रहे हैं मुहूर्त? अच्छा, दिन के लिए बता रहा हूँ, शाम के 6:30 से और 8:11 तक, और आपको उसमें गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति रखनी है या आप चित्र रख लीजिएगा, पहले दीपक जला लीजिएगा गणेश जी का नाम लेकर ओम श्री गणेशाय नमः। उसके बाद आपको क्या करना है, एक मंत्र होता है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये मंत्र की 5 या 11 माला करें। उसके बाद आप एक लाल कपड़ा ले लें, लाल कपड़े के अंदर एक मुट्ठी आपको काली मिर्च आती है काली मिर्च रख लें, उसमें आपको 5 गांठ वाली हल्दी रख लें, श्री यंत्र रख लें और ये पोटली बना लें। फिर माँ लक्ष्मी से मन ही मन और मनोभाव से प्रार्थना करके कि मेरी बेटी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही या मेरी शादी नहीं हो रही, जो भी विघ्न है वो दूर हो जाए, माँ लक्ष्मी के चरणों में उसको अर्पित कर दें। मंत्र यही है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले दिन आप वो पोटली प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगी और वो आप बच्चे के सिरहाने के नीचे रख सकते हैं जिनकी शादी नहीं हो रही, या फिर आप क्या कर सकते हैं उसके पहने हुए कपड़े में, अगर बच्चा देश विदेश में है यहाँ नहीं रहता, बहुत माताएं और बहनों की कंप्लेंट होती है कि उनका भाई बहन दूर रहते हैं, तो वो उनके पहना हुए कपड़े में अगर आप रखेंगे तो उनके शादी के योग बनने लग जाएंगे। बड़ा अद्भुत उपाय करके देखें। अच्छा, जो दूर बैठे हैं उनके लिए भी आपने उपाय बता दिया। मेरे साथ राजकुमार शास्त्री जी भी हैं, जरा छात्रों के लिए कुछ बताइए कि पढ़ाई लिखाई करें उसका फ़ायदा उन्हें मिले। यदि आप विद्यार्थी हैं और विद्या में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो 5 दिन का ये उपाय मैं आपको बतलाता हूँ। अपने घर के मंदिर में एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछा करके देवी सरस्वती की चित्र का स्थापना करें और देवी सरस्वती के 5 दिन अंग पूजन करें। अंग पूजन में 16 हल्दी की गांठें लेनी है, कमल दाने अथवा कमल पुष्प लेना है, धनिया के दाने लेना है और कामिया सिंदूर लेना है। इससे ओम चपलायै नमः और चंचलायै नमः, कमलायै नमः, कात्यायनी नमः, कमल मात्रै नमः, विश्ववल्लभायै नमः, श्रियै नमः, महालक्ष्मी नमः, ये उनके मंत्र हैं। आपको मंत्र आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो मन से कर सकते हैं। और उसके बाद आपने हल्दी से ओम अणिमनै नमः अष्टलक्ष्मी का पूजन, अणिमनै नमः, गरिमनै नमः, महिमनै नमः, हैं वसितायै नमः, इसितायै नमः, ये अष्टलक्ष्मी का पूजन ये करें। और ये सब कुछ करने के बाद देवी सरस्वती के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र का जाप करें। विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनम कुरु, रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। यह भगवती सरस्वती का सिद्ध मंत्र है। 5 दिन की साधना पूरे वर्ष में आपको परीक्षा के समय अवश्य रंग लाएगी। बहुत खूब। और देखिए, एक सभी का सपना ये भी होता है कि अपना आशियाना हो, अपना घर हो, वो सपना कैसे पूरा करें? दीपावली के दिन ऐसा क्या प्रयोजन किया जाए अरविंद शुक्ला जी कि लोगों के घर का जो सपना है वो पूरा हो जाए? स्थिर लग्न में यानी जो प्रदोष काल टाइम है उस टाइम पे आप मानसिक रूप से संकल्प करें कि मुझे भवन की जो है स्थिति ऐसे बनाएं कि किसी भी तरह से हे प्रभु मुझ पे कृपा करें कि मुझे भवन की प्राप्ति हो। माँ लक्ष्मी और गणेश की जो तस्वीर है उसको आप अपने सामने रखें, आपके लेफ्ट में नहीं भगवान के दाएं जो है घी का दीप प्रज्वलित करें और सबसे पहले माँ का जो है ध्यान करें। और उसमें आपको करना क्या है कि एक तो श्री सूक्त और एक आपका गणपत्य अथर्वशीष, ये दोनों चीज़ें आपको बाकायदे सुननी हैं। आपको नहीं यदि आता है तो नेट से आप उसको डाउनलोड कर दें। उसके साथ साथ ओम श्री महालक्ष्मी नमः और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, इसके साथ साथ ओम अंग अंगार काराय नमः जो भूमि पुत्र मंगल है उनका भी आप ध्यान करेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि आप मैक्सिमम कम से कम श्री सूक्त को 11 बार सुनेंगे और साथ में कहते हैं कि विष्णु के सहित लक्ष्मी का पूजन करें, तो आपने जो है रुद्र सूक्त भी सुनना है। और फिर लास्ट में जो है आपको एक बार भगवान विष्णु के लिए क्या कहना है, श्रीदह श्रीश श्रीनिवासा श्रीनिधि श्री विभावना श्रीधर श्रीकर श्रेया
श्रीमान लोकत्रयश्रयः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये छोटा मंत्र है, इसका आप जाप करेंगे। और लक्ष्मी जी के लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस प्रकार से आप कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा सपना होता है लग्जरी लाइफ का, भवन का निर्माण होना। निश्चित रूप से जगत जननी श्री महालक्ष्मी और भगवान विष्णु सहित आपके जो है घर में कृपा होगी और शीघ्र ही आपके जो है भवन का निर्माण होगा और योग बनेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए, ये सारी चीज़ें मिल भी जाएं अगर और घर में बच्चे की किलकारी ना गूंजे तो सब व्यर्थ है। तो संतान प्राप्ति के लिए क्या करें जो लोग निराश हैं, दिवाली के दिन वो आखिर क्या कर सकते हैं, क्या है पूजन विधि, वाने आर्या जी आपको बताएंगी। धन्यवाद अखिलेश जी। तो संतान प्राप्ति के लिए आप कुछ खास उपाय कर सकते हैं। खास तौर पर आप दिवाली के दिन स्थिर लगन में आप माँ लक्ष्मी से आराधना कीजिए कि उनको जैसे माता पार्वती ने उनकी झोली में गणेश जी को डाल दिया था, तो इस तरह की गणेश जी जैसी संतान हो जिसकी बहुत ही अच्छी बुद्धि हो, इंटेलिजेंस हो, विजडम हो। इसके अलावा जो है आप जो है विष्णु भगवान का एक मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, क्योंकि महालक्ष्मी का पूजन कभी भी अकेले नहीं होता, विष्णु जी के साथ ही होता है, तो विष्णु जी की आराधना वहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः, ये जो मंत्र भी जो है आप कर सकते हो। केले की जो जड़ होती है उसके अंदर जो है पानी में हल्दी डाल के और थोड़ी सी चने की दाल डाल के आप जो है उस जड़ में डाल सकते हैं। एक कोई भी काली गाय ले लीजिए, उसको जो है आपने हरा चारा खिलाना है रेगुलर 5 बुधवार के दिन। गोपाल संतान प्राप्ति मंत्र जो है आप वो भी कर सकते हैं। धन्वंतरी जी की पूजा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का निर्माण वहीं से हुआ, वहीं से क्रिएशन हुआ कि उनको जो है जो लोग भी संतान कंसीव नहीं कर पा रहे हैं वो कर पाएं। इसके अलावा जो है आपने माता लक्ष्मी के सामने बैठना है और एक आपने उनको क्या चढ़ाना है, एक बरगद का जो एक वृक्ष का एक पत्ता लेना है, उस पर कुमकुम और स्वस्तिक चढ़ाना है, उसके कुमकुम और स्वस्तिक बना के जो है वो माँ को जो है अर्पण करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत जल्द ही एक अच्छी संतान की जो है प्राप्ति हो सकती है। और देखिए एक चीज जिस तरफ हमारे समाज का ध्यान बहुत कम गया, हालांकि अब तो नहीं लेकिन कुछ साल पहले तक की अगर बात की जाए, कुछ दशक पहले तक की, महिलाओं का स्वास्थ्य जो कि सबसे ज़रूरी होता है पूजा भाटिया जी, कि एक घर में अगर महिला स्वस्थ हैं तो समझिए कि पूरा घर स्वस्थ है। क्या उपाय उसके लिए आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ शिव जी का रोगनाशक मंत्र जो है महामृत्युंजय मंत्र, उसकी अगर आप आराधना करते हैं, उसकी चैंटिंग करते हैं तो बहुत ही शुभ है। अगर आप ओम धन्वंतराय नमः के मंत्र का जाप धनतेरस से शुरू करके 40 दिन तक लगातार करते हैं तो महिलाओं की ही नहीं किसी की भी हेल्थ जो है धीरे धीरे सुधरनी शुरू हो जाएगी। साथ ही आप कुंजिता पदम शरणम का मंत्र का जाप कर सकते हैं, जिसमें कुंजिता का अर्थ होता है लोटस, पदम का अर्थ होता है फीट और शरणम का अर्थ होता है कि शरण में जाना, कि हे विष्णु भगवान, हे शिव भगवान, हम अपने आप को आपके चरण कमलों में समर्पित करते हैं। और अगर आप ये मंत्र करते हैं, इसकी चैंटिंग करते हैं, तो आप देखिएगा धीरे धीरे आपकी जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं खास करके महिलाओं के, वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और अब हम बात करना चाहेंगे बुजुर्गों की। घर के जो बुजुर्ग होते हैं एक तरीके से उस वृक्ष के समान होते हैं जिनके छांव में इंसान पलता बढ़ता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बुजुर्गों का स्वास्थ्य भी अच्छा हो। निशु जी, आप क्या सलाह देना चाहेंगी घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए, दिवाली के मौके पर ऐसा क्या करें? जैसे कि ये बोला गया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो डेफिनेटली वेल्थ के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखना सबको बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं या यंगस्टर्स हैं या बच्चे हैं। तो मैं बुज़ुर्गों के लिए बोलना चाहूँगी, जो क्लियर कोर्ट्स होते हैं, जो स्वातिक होता है, उसका आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्भुव वरेण्यम भृगो देवस्य धीमहि धियो नाम प्रचोदयाच, उसको आप 108 बार मंत्र जाप करके पूजन के समय में उसको गले में डाल लें। और स्वातिक की एक बॉल ले लीजिए जिसको क्लियर कोर्ट्स बोला जाता है, उसको आप बहुत स्ट्रांग इंटेंशन डाल के अपनी साउथ डायरेक्शन में रखेंगे, जिसमें आपके एल्डर, ये थोड़ा समझाइए क्या स्ट्रांग इंटेंशन डाल के मतलब? अपनी बेसिकली हेल्थ से रिलेटेड स्ट्रांग इंटेंशन या वाइब्रेशंस डाल के, कि हमारी जो भी हेल्थ है वो कम्प्लीटली ठीक रहे, हम पॉजिटिव रहें। हाँ जी, मन में वो धारणा करके अपनी इंटेंशन डाल के हेल्थ के लिए उसको आप अपने रूम के साउथ डायरेक्शन में रख सकते हैं। दिवाली वाली रात को हम लोग बुज़ुर्गों की हेल्थ के लिए बोल सकते हैं कि पीपल के पेड़ पे कुमकुम रख के एक लड्डू अगर दिया जाए और हनुमान जी को भोग लगाया जाए, उससे भी उनकी स्वास्थ्य में, उनकी हेल्थ में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, स्वस्थ महसूस करेंगे लोग जी। अब मैं करिश्मा कौशिक जी आपके पास उस सवाल के साथ आ रहा हूं जिसका जवाब हर कोई शायद जानना चाहता है, कि घर में कलह से शांति कैसे मिले?
देखिए, कलह के लिए अगर देखा जाए तो एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, कहीं ना कहीं क्रोध, आपकी वाणी, हर एक चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, आपका मन। तो ये आपको जो दिन मिल रहा है बहुत ही खास है। कोई भी चीज आपकी जो टूटी हुई हो, चाहे वो शीशा हो, चाहे वो कोई भी ऐसी कपड़े फटे हुए हो, उन सब चीजों को निकाल के फेंक दें। दूसरी चीज, आप इस दिन खरीदारी जरूर करें, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है वो कहीं ना कहीं, अगर आप कुछ अच्छा खुशबूदार चीजें लेकर के आते हैं घर में तो लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है, लक्ष्मी खुश होती हैं। तो इसीलिए आप इस दिन जो है परफ्यूम खरीदें, इत्र खरीदें, तो कोई भी ऐसी खुशबूदार चीजें, फूल जरूर इस समय पे सजाएं, दीपक जरूर जलाएं, मोमबत्ती ना जलाएं, मोमबत्ती जो है शोक का कारण होते हैं, तो इस समय पे घी के दीपक जरूर जलाएं, और इसके अलावा नमक का पोछा इस समय पे जरूर लगाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इन दिनों जो है ये जो समय रहेगा, इन दिनों आप कपूर और जो कड़ी पत्ता होता है उसको जला करके उसका धुआं अपने घर में जरूर दिखाएं, ताकि आपके घर से जितनी भी नकारात्मकता है, जो भी परेशानियां हैं, वो समाप्त हो जाए। अब अगले सवाल की ओर मैं बढ़ना चाहूंगा, और वो सवाल है, विदेश यात्रा का आखिर संयोग कैसे बने? और उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम नेपाल तक ही कैसे जा सकें, दूर दराज सात समंदर कैसे पार जा सके। तो शिका जी, कुछ उपाय बताएंगे? सबसे पहले तो एबीपी के सभी दर्शकों को मैं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी, और आपको ये बताऊं कि अगर आप फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं, या अगर आपको लग रहा है कि फॉरेन जाने के योग नहीं बन पा रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में आपको अपना नवम भाव और जो 12वां घर होता है उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। तो वहाँ पे सबसे पहले उसको एक्टिवेट करने के लिए आप तो एक पीले रंग का रुमाल जो है वो आप अपने साथ रखना शुरू कीजिए, और आप कर सकते हैं कि आपको 27 डे, या आप दिवाली वाले दिन से शुरू कर सकते हैं, 27 डेज तक आपने एक झंडा लेना है लाल रंग का, जो त्रिकोण शेप में होगा, उस पर गोटा लगा होगा, उस झंडे को आपने किसी भी मंदिर के अगर बुर्ज पे 27 दिनों तक लगातार लगाते हैं, तो इससे आपके बाहर जाने की जो योग हैं वो यहाँ पे बनने शुरू हो जाते हैं। साथ के साथ, क्योंकि ये मनोकामना ही एक तरीके से कि बाहर जाना है या फॉरेन सेटलमेंट करना है, तो दिवाली वाली रात्रि को अगर आप 11 कमल लेते हैं, 11 कौड़ियाँ लेते हैं, और उसके साथ 11 लौंग के जोड़े आपने माता महालक्ष्मी को चढ़ाने हैं, और ये करते समय आपने महालक्ष्मी के सामने एक मंत्र बोलना है, वो ये, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वर्धा शुभा, महालक्ष्मी हम आपको सब अर्पण करते हैं, प्रसन्न होइए और हमें वरदान दीजिए। और इस समय पर आपको महालक्ष्मी अष्टकम, जिसकी शुरुआत होती है, महालक्ष्मी अष्टकम का आप ज़रूर आज के दिन जो है वो पाठ आपको करना है 7 बार, ये आप जरूर कीजिए। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वर्धा शुभा का भी आपको साथ के साथ 108 बार जाप करना है। आज के दिन आपको एक उपाय और करना है, ताकि आपके फॉरेन सेटलमेंट के योग बने और आप वापस ना आए, बहुत आसानी से आप वहाँ पे स्थिरता रहे आपकी चीज़ों में, तो आपने पीली चने की दाल जो होती है उसको भिगो के रखना है, और उसके बाद उस दाल को आपने पक्षियों को खिलाना है, इस मनोकामना से कि आपके फॉरेन सेटलमेंट के योग जो हैं वो बनने यहाँ पे शुरू हो जाएं। साथ के साथ अपने, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, आपको अपने नवम और 12वें भाव को जो है घर को एक्टिवेट यहाँ पे करने की ज़रूरत है, तो आपने सिंपल सा एक काम करना है कि इसमें जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, या जो भी राशि यहाँ पे स्थित है, और उस राशि का आप यहाँ पे रत्न धारण कर सकते हैं, और उसके साथ साथ उस राशि से संबंधित आप अगर कोई उपाय करते हैं तो आपको काफ़ी फलेगा। आज के दिन आपको एक बहुत ध्यान रखना है कि आपको फिटकरी के पानी से नियंत्रण आपको नहाना है, और आपको सिनेमन, जिसको हम दालचीनी बोलते हैं, उसका अगर छिड़काव, उसके पाउडर का छिड़काव अगर आप अपने घर के सभी कॉर्नर्स में करते हैं, तो कहीं से कोई विघ्न बाधा आ रहा है जिसकी वजह से आपके फॉरेन सेटलमेंट के योग नहीं बन रहे, या आप जाते जाते रह जाते हैं, टिकट भी हो जाती है लेकिन वीज़ा नहीं लग पाता, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, तो वो योग भी आपके खुलेंगे। और जब तक आपका कार्य ना हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको अपने मुँह पर एक जिप लॉक लगाना है, और अपनी स्थिति, अपनी चीज़ें किसी से भी डिस्कस नहीं करनी है, अपने सीक्रेट्स को आपने रिवील बिल्कुल भी नहीं करना है। आपकी दीपावली बहुत शुभ हो, और आशा करती हूँ उपाय आपके लिए बहुत कारगर है। बहुत अच्छी बात है, आखिर में आपने एक व्यवहारिक सलाह दी हमारे दर्शकों को, और कार्यक्रम के आखिर में आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कर्म प्रधान युग है। हमारे साथ जो यहाँ पर भविष्यवेत्ता हैं, विद्वान हैं, उनकी राय को जरूर मानिए, उन उपायों को जरूर करिए, लेकिन मेहनत निरंतर करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और देखते रहिए एबीपी न्यूज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, शुक्रिया।